जी हाँ दोस्तों, कॉलेज छात्रों के लिए आई महत्वपूर्ण जानकारी, कॉलेज एग्जाम 2022। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर कर देना, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। लगभग 2-3 से 4 यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा हमारे सामने अपडेट आ रहा है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या अपडेट आ रहा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आ रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, अपडेट आ रहा है। यहाँ पर जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीएड का जो टाइम टेबल रखा गया था दोस्तों, जो 5 अप्रैल को होने वाला था, अब उसे 9 अप्रैल को लिया गया है आज की डेट में। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको नहीं पता था, इसलिए मैंने इस टाइम टेबल के बारे में आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अपडेट है जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही, क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के, उन एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम सेंटर रखे गए थे मुरैना ज़िले के, जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो मुरैना ज़िला आता है, उस मुरैना ज़िले के यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपका ये एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। अगर आपने इन दोनों कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपका एग्ज़ाम सेंटर ही रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया है जीवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद दूसरा अपडेट आ रहा है, दूसरा अपडेट है कि जो आपकी परीक्षा होने वाली थी एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की इस सब्जेक्ट की, अब वो आपकी जो 13 अप्रैल को करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रयोजन मूलक हिंदी की जो परीक्षा 13 अप्रैल को आपकी करवाई जाएगी। इसके बाद दूसरा अपडेट है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से, आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा करवाई गई थी कोविड-19 स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी परीक्षा नहीं दे पाई थी कोविड-19 की वजह से, फिर उनकी बाद में परीक्षा करवाई गई थी, तो जिन स्टूडेंट की कॉलेज में परीक्षाएं हुई हैं उन कॉलेज के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा आदेश दिया गया है कि आपकी जितनी भी सभी उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उसको 3 दिन के अंदर, यानी कि अगर हम कहें थोड़ा टाइम और बढ़ाकर 10 अप्रैल तक सभी उत्तर पुस्तिकाओं को यूनिवर्सिटी में सबमिट करें, जिससे उन छात्रों का रिजल्ट जल्द से जल्द अनाउंस किया जा सके। इसके बाद दूसरा अपडेट है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से ही, अब दूसरा क्या अपडेट है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम सेंटर की डेट रखी गई थी बीए थर्ड ईयर की और बीए सेकंड ईयर की, बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा की तारीख में थोड़ा संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बीए सेकंड ईयर रेगुलर प्राइवेट के जो स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा 12 मई को 14 मई को होने वाली थी, वो अब 28 मई को 30 मई को करवाई जाएगी, और बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा 11 अप्रैल और 13 अप्रैल को होने वाली थी, उनकी परीक्षा यहाँ पर 13 मई को और 17 मई को यहाँ पर करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए अपना टाइम टेबल। इसके बाद दूसरा अपडेट है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से आ रहा है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के बीएचएमएस थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री के, उनके यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 7 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई थी यहाँ पर नॉर्मल फीस के साथ में, और 9 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर 100 रुपये लेट फीस के साथ में, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया है तो अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बीएचएमएस थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री के, उनके यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं थर्ड ईयर के, ठीक है। इसके बाद में अपडेट आ रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, चाहे दोस्तों चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, अगर आपने अपना सीसी टेस्ट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया है अभी तक, आप अपने कॉलेज में जल्दी से सबमिट कर दीजिए। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है, अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए सीसी टेस्ट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल। इसके बाद दूसरा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विक्रम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं एमटेक और बीटेक के, यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है आपकी बीटेक की। जी हाँ दोस्तों, बीटेक की जो कि एमटेक प्रथम सेमेस्टर, बीटेक प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं का यहाँ पर कार्यक्रम आ चुका है। पूरा टाइम टेबल देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें हम अपना कौन सा टाइम टेबल है इसका, यहाँ पर नाम दिया गया है बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर। तो बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर की यहाँ पर 11 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो जाएंगी, टाइम टेबल आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बीटेक थर्ड सेमेस्टर की, तो उनकी भी 11 अप्रैल से यहाँ पर परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी 19 अप्रैल तक। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की, तो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के परीक्षाएँ चलने वाली हैं। इसके बाद एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 11 अप्रैल 12 अप्रैल 13 अप्रैल को उनकी परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। तो बस यही थी अपडेट, लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट आ रहा था, यही अपडेट था जो आपके लिए जानना जरूरी था। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।